नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 10th का, ठीक है, हमारा जो 10th चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर हमारा ब्रीथ, ठीक है, इसके बारे में हमने स्टार्ट करना है आज। इसमें हमें क्या चीज़ दी दे रहा है ब्रीथ के बारे में, काफ़ी कुछ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे जिसके अंदर आप सबसे पहले ब्रीथ की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं कि ब्रीथ क्या चीज़ है। उन बिंदुओं का एक समूह है, ठीक है, उन बिंदुओं का एक समूह है जो एक नियत बिंदु से हमारे पास, मतलब नियत बिंदु मतलब केंद्र बिंदु से, ठीक है, एक अचर दूरी, एक निश्चित दूरी के ऊपर, ठीक है, हमारे पर होते हैं, ठीक है। अब एक निश्चित दूरी मतलब उस त्रिज्या दूरी के ऊपर, एक निश्चित बिंदु से, केंद्र से, जो आपके पास ये बिंदुओं का एक समूह बनता है, ठीक है, इसको हम वृत्त, केंद्र वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ देखें, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ और पढ़ चुके हैं, रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेखाएं इस किसी प्रकार से इनको टच करेंगी, उन सभी के बारे में हम जानकारी यहाँ ग्रहण कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर। हम थोड़ी सी रिवाइज करते हैं उनके बारे में, जितनी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, और उसके बाद आगे का थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये हमारी त्रिज्या कहलाती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है हमारे पास, ठीक है, वो हमारी जीवा कहलाएगी, इसको हम जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। और वृत्त के ये जीवा आपकी कोई भी जीवा है, ठीक है, जीवा और चाप के बीच का जो एक भाग बनता है, ठीक है, इसको हम वृत्त खंड बोलते हैं। आप इस भाग की बात करें या आप इस भाग की बात करें, ठीक है, इस पूरे भाग की बात करें अगर हम, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, हमारे वृत्तखंड कहलाते हैं, इनको हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वृत्तखंड, दोनों भागों को, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, ये छोटा है तो इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, ये दीर्घ वृत्तखंड है हमारे पास जो मैंने क्रॉस के निशान के साथ दिखाया है, तो इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क रहता है आपके पास। और उसके साथ साथ आप त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। त्रिज्याखंड के अंदर क्या चाहिए, वृत्त के केंद्र से आपकी दो त्रिज्याएं मिलाई जाएं कहीं भी, ठीक है, तो हमारे पास जो ये भाग बनेगा, या दूसरी तरफ आपके पास ये वाला जो क्रॉस वाला भाग बना, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिज्याखंड कहलाएंगे। ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम रेखाओं के साथ इनकी चर्चा पर बात करें, तो तीन संभावनाएं बनती हैं रेखाएं इनको स्पर्श, इनके पास से गुजरती हुई। एक हो सकता है कि वृत्त के पास से गुजरती हुई रेखा, ठीक है, उससे दूर हो, पहली कंडीशंस, ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, आपके वृत्त के बीच में से गुजरे वो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वृत्त को स्पर्श करती हुई गुजरे, ठीक है। आपके पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस प्रकार से हमारे पास अगर रेखा है तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है हमारी वृत्त की, ठीक है। और आपके जब ये वृत्त को चीरती हुई गुजरती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। और जो वृत्त को इस प्रकार से टच करती हुई गुजरती है, इसको वृत्त की स्पर्श रेखा कहा जाता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये इसको स्पर्श करती है, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वाला जो बिंदु हमारा कहलाएगा, वो हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप इसको नाम भी देना चाहें, तो बिंदु ए अगर आप नाम दे देते हैं, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो उसकी घिरनी जो रस्सी, ठीक है, रस्सी को, रस्सी के किरों को, सिरों को अगर हम किरण मान लें, रेखा मान लें, ठीक है, तो घिरनी का जिस पॉइंट पर वो उसको छूती है, ठीक है, वो उसका स्पर्श बिंदु हो गया, और वो स्पर्श रेखा के रूप में हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा हमारे पास वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा हमारे पास कौन सी रेखा है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब आ गया, देखेंगे हमारे पास, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, कि कई कंडीशंस बनती हैं आपकी, जो वृत्त को बारे में हमें बताएंगी, वृत्त के बारे में हम जानेंगे जिनके ऊपर। इसमें देखिए, स्पर्श बिंदु के बारे में आपका आ गया, स्पर्श रेखा के बारे में हो गया, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना है आपको, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये एक ही रहेंगे। और आगे देखेंगे हमारे परिमेय 10.1, ठीक है। परिमेय 10.1 में आपको क्या कह रहा है, कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। हमारे पास परिमेय 10.1 में क्या कहा है आपको, हमें एक वृत्त दिया गया है, ठीक है,
उस वृत्त के केंद्र से आपके पास एक स्पर्श रेखा जा रही है हमारे पास ये, ठीक है। स्पर्श रेखा से आपके पास ये जो स्पर्श बिंदु है हमारा, मान लीजिए बिंदु पी, और ये स्पर्श रेखा हमारी एक्स वाई, ये वृत्त का केंद्र ओ, ठीक है। ये जो ओ पी है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा को मिलने वाला, ठीक है, जो दूरी है आपकी स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो उस पर लंब होती है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। अब इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम कंसेप्ट को सिद्ध करेंगे, हमारे पास बताएंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले दिया है का वर्णन करेंगे। दिया हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वृत्त हमारे पास, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। और सिद्ध करना इसके अंदर हमारे पास, अगर हम कहें हमें क्या सिद्ध करना है कि ओ पी हमारे पास लंब है एक्स वाई पर, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर। ओ पी लंब एक्स वाई, ये लंब का सिंबल हो जाता है हमारे पास, उल्टी टी अगर एक प्रकार से कहें हम, ठीक है। अब इसी चीज़ का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप आगे देखेंगे हमारे पास क्या करेंगे हम, प्रमाण हमारा, ठीक है। प्रमाण में क्या कहा जाएगा आपको, हमें क्या कहा इन्होंने कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, और प्रमाण से पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर एक रचना करेंगे हम, क्योंकि हमें अकेली इस लाइन से तो कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं जितने भी हम परिमेय करते हैं उनमें मोस्टली हमें रचना का कंसेप्ट तो लेकर ही आना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, रचना के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स वाई पर बिंदु, ठीक है, क्यू लिया, ठीक है, वह ओ क्यू को मिलाया हमारे पास, ठीक है। ओ क्यू को हमने कोई बिंदु लिया क्यू, और ओ क्यू को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा इसका प्रमाण, अगर हम बात करें जो क्यू बिंदु है वो हमारे पास बाहर ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रमाण के अंदर देखें क्या लिखेंगे हम, अब क्यू बिंदु देखें हमारे पास वृत्त के बाहर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, बाहरी होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर हुआ तो आपका ये क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो आप इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, बिंदु क्यू वृत्त के बाहर, ठीक है, होना चाहिए, अन्यथा एक्स वाई एक छेदक रेखा होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वृत्त के बाहर होगा तभी हमारे पास ये स्पर्शिका बन रही है, अगर वृत्त के अंदर बन रहा है बाहर की, अन्यथा हमारे पास एक्टोमेटिक हो गया कि आपके पास वो एक छेदक रेखा के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ के अंदर हमारे पास क्या है, और बाहर है, ठीक है, तो जो छेद हमारे पास कोई भी बिंदु होगा, जो भी स्पर्श बिंदु पर रेखा हम लेंगे, ठीक है, ओ के हुआ है जो हमारे पास ये रेखा, ये त्रिज्या ओ पी से बड़ी होगी। अब क्योंकि हमारे पास ओ क्यू त्रिज्या ओ पी से बड़ी है, मतलब ओ क्यू बड़ी है आपके पास ओ पी से, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी के अतिरिक्त एक्स वाई पर जो भी हमारा कोई बिंदु होगा उन सभी के लिए आपके पास न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है, अर्थात पी आपकी जो, अर्थात हमारे पास जो ओ पी है, ठीक है, इस ये ओपी दूरी हमारे पास एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए न्यूनतम दूरी है, मतलब ये सबसे छोटी दूरी है, कम दूरी है, इसलिए क्या होगा हमारे पास, इसलिए ओपी लंब एक्स वाई होगा, ठीक है, हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है। द्वारा ध्यान दें, आपके पास आपको ये न्यूनतम दूरी सिद्ध करना था, मतलब लंब सिद्ध करना था, क्योंकि लंब हमारी से आपकी न्यूनतम दूरी होती है। तो हमने क्या कहा कि एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों लिया, हमने इस बारे में पहले सबसे पहले लिखा कि क्यों बिंदु आपका वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वृत्त के अंदर है तो आपके पास ये एक छेदक रेखा होगी, क्योंकि हमने जो क्यों बिंदु है वो कहाँ लिया है, एक्स वाई के ऊपर लिया रचना के अंदर, और बाहर है तो आपके पास ये त्रिज्या होगी, जो कोई भी दूरी होगी बाहर होगी तो केंद्र से वो क्या होगी, ठीक है, इस त्रिज्या से बड़ी ही होगी। त्रिज्या से बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी इस दूरी पर, इस एक्स वाई रेखा पर कोई भी बिंदु होगा वो आपके पास ओपी से तो बड़ा ही होगा, मतलब ओपी आपकी सबसे न्यूनतम दूरी होगी, जब न्यूनतम दूरी होगी तो ये लंब होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी आपकी लंब होती है, ठीक है, तो
तो इसलिए हमारे पास ओ पी एक्स वाई पर लंब हो जाता है। मतलब आपका ये जो परिमेय है ये कंसेप्ट के रूप में हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चंस पर, ठीक है, कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब डालती है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर हमारे पास, मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारी, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी भी बिंदु से, ठीक है, केंद्र का, यहाँ पर हमने केंद्र का यूज़ किया, आप किसी भी बिंदु पर बात कर सकते हैं, जैसे परिमेय के अंदर दिया गया है, आप यहाँ पर बात करना चाहें, आप यहाँ पर कहना चाहें, या आप यहाँ पर कहना चाहें, जो केंद्र यहाँ पर अगर आप मिलाएंगे, इसके स्पर्श बिंदु पर मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो दूरी आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, और न्यूनतम दूरी इसी लाइन की सीधी बनेगी। अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं है, न्यूनतम दूरी फिर आपकी ये बनती है, तो फिर वो स्पर्श बिंदु से टच नहीं करती, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा, ये ख्याल रखना, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर जो कई किसी भी बिंदु का जो मतलब है वो इस केंद्र से गुजरने वाली, मतलब इस पूरे व्यास के ऊपर के अर्थ से मतलब है अर्थात हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। आपके सबसे पहले क्वेश्चन में देखें क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर एक के अंदर हमें 10.1 के कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्नावली हमारी 10.1 है और इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास अगर आप देखें कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं हमारे पास, क्योंकि आपके पास इसका कोई भी वो नहीं है कि एक वृत्त है हमारे पास जैसे, ठीक है, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा हो सकती है, एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है, एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है, एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है, ऐसे इसके पास क्योंकि बिंदु अनंत होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसमें खाली स्थान देखिए आपको दिए गए हैं, तो खाली स्थान भरने हमें, इसका पहला भाग आपका क्या कह रहा है हमें, केंद्रिक स्थानों की पूर्ति कीजिए हमारे पास, ठीक है। पहले खाली स्थान में हमें कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उसे हमेशा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, मतलब स्पर्श करेगी, हम यूं कहें एक प्रकार से, ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद वैसे शब्द ना प्रॉपर होकर आपका स्पर्श बिंदु, स्पर्श बढ़िया अच्छा शब्द रहता हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, जो उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। आगे देखिए हमारे पास इसका तीसरा खाली स्थान, उसमें क्या कह रहा है हमें, कि ना एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो, क्योंकि जो आपके पास जिस बिंदु पर आप खींचेंगे उसके जो सामने वाला बिंदु होगा वहीं से उसकी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उससे अधिक नहीं हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते। आगे देखिए हमारे पास इसका चौथा खाली स्थान, उसमें क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है, हम उसको सुनेंगे। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, उसमें हमें क्या कह रहा है, कहना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका केंद्र बिंदु हमारे पास ओ हो गया, ठीक है, इसकी एक स्पर्श रेखा दी हुई है हमें, मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी इसकी स्पर्श रेखा होगी, हमें क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, मान लीजिए ये रेखा इसका नाम पी क्यू रखा गया, तो पी बिंदु क्यू हम दूसरा ले लेते हैं, किसी को नाम देते हैं, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि आपके पास जो ये ओ क्यू है हमारे पास, ठीक है, ये ओ क्यू का मान हमें कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, और आपको पी क्यू की लंबाई, इस लंबाई को ज्ञात करना है, जो त्रिज्या है हमारे पास वो हमारी 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास वही चीज़ रहेगी, दिया है के अंदर आपके पास इनका मान लिख सकते हैं आप, ओ पी बराबर में 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ बातों को जितने भी मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इनमें आप सिंपल मान या कोण जो भी दिए गए उनको लिख सकते हैं, सिद्ध करना या ज्ञात करना, में जिस चीज़ का आपको मान ज्ञात करना हो सिर्फ उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बार बार किसी नियम को भी लिखने की जरूरत नहीं होती कि आपको नियम लिखना ही है, ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट इसका जो परिमाण है या हल है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, क्योंकि जिनके हमें
हल करना है, जो ये न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस हैं इनको हम प्रमाण भी कह सकते हैं या इनका हल भी ले सकते हैं, दोनों में से जिस मर्जी शब्द का हम प्रयोग करना चाहें प्रयोग कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारा ये प्रमाण हो गया। इसमें देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रमाण के अंदर हमारे पास क्या है, हम जानते हैं उस नियम के बारे में वही बात आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पी के ऊ आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, पी के ऊ स्पर्श रेखा, और हमारे पास ओ पी क्या है, हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ओ पी क्या दी हुई है, त्रिज्या है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है के अंदर आज लिख दें या सिंपल वैसे भी छोड़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमारा नियम है, ठीक है, ये कोण आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए हमारे पास हम कह दें कि ओ पी लंब पी के ऊ। ठीक है, रीजन्स क्या हो जाएगा इसका, परिमेय 10.1 आपके पास, ये परिमेय हो जाएगा आपका। और रीजन लिखना चाहें तो पूरा का पूरा रीजन भी लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से लंब होती है। ठीक है, इसलिए आपके पास क्या होगी, ये समकोण त्रिभुज बन गई। अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ पी के ऊ में, समकोण त्रिभुज ओ पी के ऊ में आपके पास पी के ऊ का जो वर्ग है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये ओ के ऊ के वर्ग माइनस ओ पी के वर्ग के बराबर होगा। ओ के ऊ का वर्ग हमारे पास 12 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग, हमारे पास 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों को घटा देंगे 119, तो जो पी के ऊ है हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, उसमें हमें क्या कह रहा है ये, हमारे पास क्वेश्चन नंबर चार में देखिए आपको क्या दे रहा है ये, इसमें हमें कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक ही दी रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर चार में आपको क्या दिया हुआ है, इस तरह का एक वृत्त दिया गया आपको, वृत्त खींच लेंगे आप, ये एक रेखा दी गई है आपको। ठीक है, मान लीजिए एल रेखा दी गई है, अब इसके समानांतर हमें एक रेखा खींचनी है, ठीक है, जो एक छेदक रेखा हो दूसरी समानांतर रेखा हो, मीन्स आप यहाँ से वृत्त में से गुजरती हुई एक रेखा खींच देंगे एम, जो इसके समानांतर है, और एक वृत्त को टच करती हुई स्पर्श करती हुई रेखा खींच देंगे जो हमारे पास एन रेखा, जो इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसकी रचना करने के लिए जनरल अगर आप स्केल की हेल्प से, ठीक है, दो बराबर दूरियों पर ले सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। अगर दूसरा नंबर आपको डायरेक्ट दिक्कत आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम क्या करें, आपके पास यहाँ वृत्त के केंद्र से, ठीक है, इस पर लंब डाल दें। ठीक है, वृत्त के केंद्र से हम क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे हमारे पास, ताकि ये बिल्कुल सीधी रेखा की तरह स्पर्श करता हुआ आपके पास जाए। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके यहाँ पर प्रकार की झुंझ रखेंगे, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकार खोल कर ये चाप काटें, इस जगह पर रखेंगे हम तो हमारे पास ये चाप कट जाएगी, इस जगह पर रखेंगे तो ये चाप कट जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम जो रेखा खींचेंगे ये आपकी इस पर ऑटोमेटिक हमारी एल रेखा पर, ठीक है, जो ये केंद्र ओ से जा रही है रेखा हमारी, मान लेते हैं हम इसको, अगर हम इसको नाम देना चाहें, मान लीजिए पी रेखा है हमारी, ये जो ये पी रेखा है, पी किरण है हमारी, ठीक है, ये एल पर ऑटोमेटिक समकोण ही बनाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम हमारे पास, ठीक है, आप इस लाइन को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये आपका जो स्पर्श बिंदु जहाँ पर जाके मिलेगा वो आपके लिए स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और इसके समानांतर यहाँ पर कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप एक रेखा खींच सकते हैं, और ऐसे ही इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी केंद्र पर कर लें या कहीं भी कर लें, आपने मान लीजिए यहाँ पर कर लिया, ठीक है, 60, 120, 90, ठीक है, आपके पास ये रेखा बन जाएगी। इस प्रकार से आप इसका जो कोण है, एक छेदक रेखा और एक समानांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, एल समानांतर एम समानांतर एन, जहाँ एम आपके पास क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है, और एन क्या आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर, इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली हमारी 10.1 है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। इसके बाद हम अपने आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट के अंदर, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उसके कुछ परिमेय और उदाहरण दिए गए हैं, हम उनको देखेंगे। हमारे पास आगे देखेंगे अगर, तो आपकी जो प्रश्नावली 10.2 है उसके बेसिक में क्या कह रहा है, कहना एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, जैसे एक वृत्त है हमारे पास, आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके पास, मान के चले हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम के अंदर मोस्टली एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इस तीनों चारों बातों पर जो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, ठीक है, वृत्त के अंदर एक बिंदु हो अगर हमारे पास, ठीक है, स्थित कोई बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती, ये हमारा पहला पॉइंट बनता है यहाँ पर।
पहला पॉइंट क्या बनता है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्शरेखा नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, शून्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरी पोजिशन बनती है अगर कोई पॉइंट बिंदु हमारे पास वृत्त के ऊपर हो। वो क्या कहता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्शरेखा है। ठीक है, मीन्स अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु होगा तो इससे हम वृत्त की एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, इसमें आपका क्वेश्चन क्या आता है आपको एग्जाम के अंदर, कि वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसका, एक। ठीक है, ये जितनी भी मैं तीन बातें आपको बताऊंगा तीनों पर हमेशा 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और चौथी तीसरी बात इसके अंदर क्या है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर, ठीक है, दो वृत्त की स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है आपने, अगर 11वां चैप्टर आप कर चुके हैं, ठीक है, रचनाओं वाला, तो आपने करने ही देखा होगा कि वृत्त के बाहर बिंदु से आपने एक बिंदु पर स्पर्शरेखाओं खींचने की रचना की होगी 11.2 प्रश्नावली के अंदर। यदि आपने 11वां चैप्टर नहीं किया है अभी 10th क्लास का, तो आप जब 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे भी आप कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाओं की जब रचना की जाती है किस ढंग से की जाती है और कितनी स्पर्शरेखाएँ बनती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ दोनों ही चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। और ये दोनों की दोनों जो स्पर्शरेखाएँ हैं हमारे पास, मान लीजिए अगर ये बिंदु P है, ये मेरे वृत्त का केंद्र हो गया, ये बिंदु A और B मेरे स्पर्श बिंदु हो गए, तो आपके पास जो ये P और PB है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और आप में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है, कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएँ खींची जा सकती हैं, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएँ खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ये जो पॉइंट हमने पी ए बराबर पी वी किया, इसी के ऊपर आपके पास हमारा परिमेय 10.2 बनता है, और यहाँ पी बिंदु से लेकर इस स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी है ये हमारी स्पर्शरेखा की लंबाई कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शरेखा की लंबाई। और ये आपके पास ध्यान रखेंगे पी ए और पी वी दोनों ही आपकी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हमारे पास हमारा परिमेय 10.2 देखें, इसमें हमें क्या कह रहे हैं आपके परिमेय 10.2 के अंदर। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कहना बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, एक वृत्त दिया गया आपको, ठीक है, उस वृत्त के बाहर एक बिंदु है पी मेरे पास, और आपके पास यहाँ से दो स्पर्शरेखाएँ खींची गई हैं। ठीक है, ये दो स्पर्शरेखाएँ आपकी, मान लेते हैं इसको ए और बी पर आपके पास स्पर्शरेखाएं हैं, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया ओ। ठीक है, तो आपके पास दिया है क्या है इसके अंदर, ठीक है, दिया में क्या आ जाएगा, एक वृत्त जिसका केंद्र, ठीक है, ओ है, और पी ए व पी वी स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए पी एंड पी वी स्पर्श रेखाएं हैं। आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, सिद्ध क्या करना है परिमेय 10.2 के अंदर, पी ए बराबर में पी बी, रचना करेंगे हम इसके अंदर, ओ ए ओ बी ओ पी को मिलाया। ठीक है, हम इन तीनों को मिला देंगे हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपके पास एक दो त्रिभुजें बन रही हैं, सौर समकोण त्रिभुजें बन रही हैं हमारे पास। ठीक है, उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, आप देखिए हमारे पास इसके अंदर ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रही है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये वृत्त की स्पर्शरेखाएं होगी हमारी, और त्रिज्या वृत्त की स्पर्शरेखा पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, आप इसके प्रमाण के अंदर देखेंगे हमारे पास क्या लिखा जाएगा आपके प्रमाण के अंदर इसके अंदर। ठीक है, प्रमाण में आप ये दो त्रिभुजें लेंगे, त्रिभुज ओ ए पी, पहले सबसे पहले इनका अगर इनको 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है तो आप 90 डिग्री का कोण सिद्ध कर सकते हैं, ताकि नीचे लिखते हुए हमें कोई किसी प्रकार की जब त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं सर्वांगसम करें तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए लिख सकते हैं आप पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं कर्मशः हमारे पास, मतलब इन्हीं की जो कर्मशः मतलब इन्हीं के लिए ओ ए व ओ बी त्रिज्या है। ठीक है, इसलिए ओ ए लंब ए पी व ओ बी लंब बी पी
नियम किसके कारण? प्रमेय 10.1 के कारण हमारे पास, ठीक है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, ये त्रिज्या उस पर लंब डालती है, ठीक है, उस नियम के कारण हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास त्रिभुज, हम ओ ए पी लेंगे, हमारे पास ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, दोनों ही त्रिभुजों के अंदर देखेंगे हमारे पास। आपके पास क्या है, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो बराबर होंगे, कोण नंबर एक बराबर में कोण नंबर दो 90 डिग्री है क्योंकि, और ओ पी बराबर में ओ पी होगा आपके पास क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा होगी आपकी ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर हमारे पास, ठीक है, उभयनिष्ठ। और इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी है तो आपके लिए एक प्रकार से कर्ण हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री की भुजा होगी, कर्ण हो गया। और एक आपके पास ओ ए बराबर में ओ बी है, ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि आपकी ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों की आपके पास तीन चीज़ें बराबर होगी, वो तीन चीज़ें कौन सी, दो भुजाएं और एक कोण, और वो कोण आपका ये नियम के अनुसार उन भुजाओं के बीच का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री का अलग से हमारा एक RHS नियम है, ठीक है ना। हमारी सर्वांग समता के चार नियम आप जानते हैं, भुजा भुजा भुजा, दूसरा दो भुजाएं उनके बीच का कोण, तीसरा दो कोण और कोई भी एक भुजा हमारे पास, ठीक है, और चौथा RHS हमारे पास, दो भुजाएं और एक कोण होता है, यही नियम होता है, लेकिन लिखने के में फ़र्क होता है इसका। इसमें आपके पास R मतलब राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण, एच मतलब हाइपोटेन्यूस आपके पास कर्ण, एस मतलब साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो अब उस चीज़ नियम के कारण आपके पास ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, आपकी सर्वांगसम होगी, ठीक है, RHS नियम के कारण दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है। तो हम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपके पास क्या हुआ, पी ए बराबर में पी बी हो गया आपके पास, ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर आ गई, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक है, आपका ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।